बच बचाव हो गया है। We are right here in Atolipin, and we have a completed time. We just need a proper rest now. Okay, thank you so much. लोग बाहर निकल चुके हैं क्योंकि मौसम खूबसूरत हो चुका है। देखिए बारिश से पहले मौसम देखिए, मौसम देखिए। यह था छोटा सा तथा पानी का बाजार और बाकी उस साइड मौजूद है, ये देखें। और तकरीबन हमने बाजार क्रॉस कर लिया और बाजार से आप नीचे मौजूद है तथा पानी जहाँ से गर्म पानी निकलता है, जिसकी वजह से इसका नाम तथा पानी पड़ा है। ये चेक करें तथा पानी चेक करें। ये वो पूल है जिसकी मैं बात कर रहा था, और इसके नीचे गर्म पानी निकलता है, जिसकी वजह से इसका नाम तथा पानी पड़ा है। और ये वो पूल है, इसके नीचे दरिया भी गुजरता है, बहुत बड़ा दरिया है जिसको ड्राइव पोर्च का नाम दिया गया है। तथा पानी इस वजह से नहीं जा सके क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो तकरीबन दो अढ़ाई का टाइम हो गया और हमने आगे बाग तक पहुँच रहा है, तो कोशिश करें जितनी जल्दी पहुँचे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बच रहा है। ये ड्राइव पहुँचे तकरीबन ये सब सीढ़ा एरिया बताया जा रहा है, ये सब है। तो ये देखिए कितना प्यारा दरिया है, बहुत बड़ा दरिया है। तीसरी नोड क्रॉसिंग पॉइंट से निकल रहे, तो ये देखें यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा अपने रोड रहनी तो सप्लाई नहीं होना है। इस जगह का जो अभी हमने जगह क्रॉस की है इसका नाम था सर कोको होता है, वाला कोट एरिया आता है। हमने यहाँ पे स्टे किया है, ये व्यू चेक करें। तीसरी नोड क्रॉसिंग पॉइंट के पास ये जगह है और हम यहाँ पे खड़े हैं, ये देखें रंगड़ शायद इसका नाम है। ये देखें कितना प्यारा व्यू है और हम स्टे कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा तब तक हमारा। ये सब कज़न से तो बैठे हुए हैं, तो ये सब तो थक गए हैं, गर्मी आ जाओ सब यहाँ पे। हेलो सैन साहब, क्या हो रहा है, सफ़र कैसा गुजरा है? वैसे आपको तो ज़्यादा नींद ही रहती है। और सैन दिल साहब आपका सफ़र कैसा गुजरा है? जो आपने गोली दी थी अच्छा गोल रहा बर्फ पड़ा है, ये देखिए गाइस कितना प्यारा व्यू है, ये चेक करें। बहुत ये वो जगह जहाँ पे ट्रैक्टर पिछले दिनों में ना बहन की वजह से यहाँ पे फंस गया। आप ही बता दें, मुझे तो इस बात का नहीं पता कब ट्रैक्टर का क्या हुआ है, आप ही बता दें। पिछले दिनों में ना ये जो सामने नाला बना आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे पहले रंगा था, यहाँ पे पानी मेरा कोई कुछ भी नहीं आ रहा था,
अभी लास्ट टाइम ये बारिशें वगैरह जो हुई है ना लास्ट वीक, तो इसकी वजह से यहाँ पे ना नाला बांध में ट्रैक्टर वाला, आप लोगों ने भी सीन देखा होगा, वीडियो बड़ी सोशल हुई थी। तो ये वो जगह है जहाँ पे वो नाला अचानक पानी आ गया था, तो वो बेचारे दो पठान यहाँ पे फंस गए थे। तो ये वो जगह है। अभी तो माशाल्लाह यहाँ पे पत्थर वगैरह आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों का रोज़गार वगैरह इसी से मुंसलिक है। यहाँ पे ब्लॉक्स फैक्ट्री हैं साथ, तो ये साथ बड़ा प्यारा गाँव का नज़ारा भी आप देख लें, चेक करें, बड़ी पुरसकून है जी, बड़ा कश्मीर कश्मीर है वैसे। और अभी हमने छोटे से बच्चे से वो जा रहा है, उससे पूछा है वो जगह का नाम बरवाटी का, उन्हें बता रहा है शायद यही वो ट्रैक्टर ट्राली है जो नीचे खड़े उस दिन सुना था ना, शायद वीडियो वायरल हुई थी, आप सब ने देखा होगा कि वो ट्रैक्टर जो था ना वो जिसकी वजह से दरिया में फंस गया था, जिसकी वजह से ये हुआ कि उसको निकालने के लिए काफ़ी लोग आए, और दरिया इतना बड़ा था कि बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने लोगों ने अपनी हिम्मत आपके तहत तो फिर वो उन बंदे को बचाया, पता नहीं है ट्रैक्टर ट्राली का बच्चा या नहीं बचा। और ये वो व्यू है, वैसे लगता तो नहीं है यहाँ पे इतना बड़ा दरिया होगा, बट ये कि फिर भी देखें इधर बारिशों की वजह से दरिया आया था। और ये फोटो सेशन हो रहा है अभी, ये चेक करें। सो गाइस अभी आप पहुँच चुके हैं हजीरा बाजार, और ये हजीरा बाजार ये काफ़ी बड़ा जगह है। ये वो होटल जो हमने रुकना है बुक किया था दुबई के अंदर, क्योंकि इसका खाना बहुत अच्छा होता है, तो हमने यही डिसाइड किया कि किसी कोटा होटल पर जाके बारह बजे का बाजार का खाना जो है वो इधर हजीरा बाजार में खाना है। टाइम तो ऑलमोस्ट तकरीबन 3 बज चुके हैं, लेकिन लोग जो मिले थे जैसे अभी अपने लंच का टाइम है कभी ना कभी ये चला गया। ये चेक करें, ये सामने लारी अड्डा है हजीरा का, और ये उतर रहे हैं हमारे कज़न, और हमने जाना है अभी होटल को कोयटा, थोड़ा सा दूर हो गया क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का सिस्टम ही है, तो इस वजह से हमने गाड़ी यहाँ पे खड़ी की है, थोड़ी सी दूर है, तो यहाँ से चल के जाना पड़ेगा वहाँ पे, फिर खाना खाएंगे। ये वो लारी अड्डा है हजीरा का, ये लारी अड्डा हजीरा का चेक करें, छोटा सा है। सो गाइस ये वो होटल है जहाँ हमने खाना खाना है, ये चेक करें, न्यू कोयटा दुबई कैफे हजीरा, ये लारी अड्डे के पास ही मौजूद है, अगर यहाँ आप होना चाहते हैं तो ये मौजूद है लारी अड्डे के अपोजिट, हजीरा लारी अड्डे के अपोजिट। गुजर के ये खाई गला है, खाई गला की ये मस्जिद देखें आप, बहुत प्यारा वीडियो है इसका, मैंने भी अक्सर इसका यूट्यूब और टिकटॉक वगैरह पे इसकी वीडियोस देखी हैं, ये बहुत मज़े का मस्जिद। और यहाँ पे बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, बर्फबारी, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे चादरों वगैरह का निज़ाम किया हुआ है, इस तरह के घर बने हुए। हमने गोश्त वगैरह लिया है यहाँ से, और उस शॉप पे खड़े हैं चिकन शॉप पे, तो गोश्त वगैरह लिया जाके हमने सीखें वगैरह बनानी है।
बारबेक्यू सिस्टम हमने साथ लाया हुआ है, देखते हैं क्या बनता है। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं, आपको तोली पीर नज़र आ रहा होगा। बहुत मज़े का व्यू है यहाँ पे, ये व्यू चेक करें। और यहाँ अच्छी खासी ठंड है। कुछ चीज़ें जो चाहिए थी हमने हमें वो हमने पीछे से खाई कर रहे थे। गेस्ट हाउस है, बहुत मज़े का व्यू है। तो सो गाइस चलते हैं पार्क। गाइस फाइनली हम तौली पीर पहुंच चुके हैं और हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है। ये चेक कर सकते हैं व्यू, आप चेक करें यहाँ का माहौल चेक करें। हम लेट पहुंचे हैं, वैसे इतना रश है नहीं जितना मैंने सुना था टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। ये चेक करें व्यू यहाँ का, ये होटल वगैरह है जिस साइड पे, ये चेक करें ये होटल वगैरह, ये चेक कर सकते हैं आप। और अब हम सामान उठाने लगे और मैं आपको दिखाता हूँ। सामान हमने लाया था जरूरत के लिए, वो सामान निकालने लगे गाड़ी से, बैग वगैरह उसके अलावा सिलेंडर हमने लाए थे, मुर्गा वगैरह जो चीज़ें चाहिए थी वो रास्ते से हमने ले ली थी, और चटाई वगैरह लाई हुई है हमने। थोड़ी पीर पे जहाँ पे हमने पार्किंग की है, पार्किंग की लेफ्ट साइड पे ये देख सकते हैं, बहुत बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ से जो पहाड़े बर्फ़ से ढके हुए वो सारे नज़र आ रहे हैं, मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ, ये देखें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। और बहुत हाइट पे है तौली पीर, और यहाँ का मौसम देखें, बादल छाए हुए थोड़े से और मौसम भी अच्छा है, धूप भी निकली हुई है, ये आप देख सकते हैं धूप भी निकली हुई है, बादल भी हैं, मौसम बहुत प्यारा है यहाँ का। और ठंड इतनी ज़्यादा है क्या बताऊँ आपको, ठंड इतनी ज़्यादा है, जब भी आप आएँ लाजमी जो है ना, ये देखें पहुँचा छठा महीना चल रहा है मई जून का, और यहाँ पे इतनी ठंड क्या है, कोट पहनने की ज़रूरत है। तो मैंने वो कोट वगैरह तो अलबत्त नहीं लाया, मुझे नहीं पता था इतना कि इतनी सर्दी होगी, अलबत्त मैंने अपने चादर वगैरह लाई हुई है जो मैं इस्तेमाल करूँगा इंशाल्लाह। और ये व्यू बाकी मैं आपको टॉप पर जाके दिखाऊँगा। और ये पार्किंग है, ये पार्किंग चेक करें यहाँ की आप, पार्किंग एरिया सारा ये उस साइड।
ये सामान वगैरह हम उठा रहे हैं और टॉप पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से चल के जाना पड़ता है। और किसी ने चिकन और बर्तन वगैरह ला रहे हैं। यकीन माने मैं भाग भाग के आया हूँ, बिल्कुल सांस फुली हुई है। ये वो मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं, वहाँ से पैदल चढ़ के जाना पड़ेगा। अभी ऊपर हाइट पे है काफ़ी, आप यहाँ पे देख सकते हैं मस्जिद है, बड़ा प्यारा नज़ारा है। उस साइड होटल है, होटल चेक करें। और काफ़ी हाइट है यहाँ पे, ये देखें ये होटल वगैरह बैक साइड पे, और नीचे पार्किंग। और इस साइड जो व्यू आपको दिखा रहा था वो इस साइड है। थोड़ा सा ऊपर टॉप पे जाएंगे तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। इस साइड पे ये देखें घोड़ा है, और यहाँ पे रिहाइश वगैरह है ये देखें, बट ये है कि बिल्कुल चादरों वाली रिहाइश समझ रहे हैं, और कच्ची रिहाइश है। और इस साइड पर ये देखें शॉप्स वगैरह हैं शायद, वही सब घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। ये जहाँ से हम पैदल चल के आए ना, यहाँ से ये घोड़े वगैरह भी आते हैं पर रेंट लेते हैं और टॉप पे छोड़ के जाते हैं। ये भाई साहब अभी खुद बैठ के आ रहे हैं, शायद कोई था पैसेंजर जो उन्हें छोड़ के आए, अभी वापस आ रहे हैं। ये भी भाई साहब पीछे अपने घोड़े देखे थे, बट ये कि हमने सोचा कि पैदल ही चलते हैं, मज़ा आएगा। ये देखें बहुत ही प्यारा, यकीन माने आप ज़रूर चक्कर लगाएं यहाँ पे। अभी वो गिरे हैं तो शापर गिरा है, फट गया है, लेकिन यह है कि बच बचाव हो गया है। We are right here in Anatoli Peak, and we are having a completed time. We just need a proper rest now. Okay, thank you so much. चेक करें ये दरख्त, ये पहाड़ और वो शहर रावला कोट का शायद नज़र आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा। बट ये देखें बहुत ही प्यारा व्यू, देखें जो जो हम ऊपर आ रहे हैं वैसे ही बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। और यहाँ पे ये ज़िया साहब, इनको बड़ा शौक है वीडियो बनाने का। ज़िया साहब आपका सफ़र कैसा रहा है ऊपर से नीचे तक? हाँ बड़ा मज़ा है, यहाँ पे हैकिंग वगैरह है। हाँ जी, तो ये है कि थोड़ा सा चलना मुश्किल होता है जो बुजुर्ग वगैरह है, वैसे जवान बंदे के लिए तो कोई इशू नहीं। अच्छा वैसे ये बस इतना ही है, ये कि मतलब वो चल जाता है ऊपर चलना सा असर तोली पीर चलना। जी जी ऊपर चलना मैं वैसे ही नंगी पर नहीं जाना, तो उठे जसा वो आई थिंक वहां पे पीछे जो है अभी बहुत पीछे पे घोड़े मौजूद हैं। और बिल्कुल छोटा सा प्यारा बच्चा, कितना प्यारा लग रहा है ये छोटा सा, ये देखे क्या बता, डर लगता है वैसे मुझे, ये देखें। और बिल्कुल जो व्यू है ना बहुत प्यारा, यहाँ पे ये घोड़े मौजूद हैं। और इस टाइम समझ रहे हैं कि मैं तो समझाऊँगी दुनिया की जो हसीन वादियों में से एक वादी है ये। ये चेक करें बहुत प्यारा व्यू, आप ज़रूर लगाएं चक्कर, अगर कोई नहीं आया हुआ तो बिल्कुल तो ज़रूर यहाँ पे लगाएं चक्कर थोड़ी देर का। और ये चेक करें बैक साइड पर, अभी तो शायद बादल में सही बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ में नज़र आ रहे हैं। ये चेक करें बार साहब अपने टिक टॉक के लिए वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। मेरी बैक साइड पे देखें वो जिस घोड़े की मैं बात कर रहा था, जिसका बच्चा है, वो भाई साहब साथ साथ आ रहे हैं। और वैसे ये वीडियो आप देखेंगे तो कितना मज़ा आएगा, बहुत मज़े का व्यू है, मैं तो नज़ारे कर रहा हूँ आप भी करें, इतने मज़े का व्यू। ये चेक करें पास से गुजर रहा है, भाई साहब बोल रहे थे कि बहुत मज़े की पिकनिक वाली जगह पे आप आ गए। और ये वो देखें भाई साहब राइड कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग, और ये भी चेक करें हमने ऑलमोस्ट अपनी चीज़ें सारी लाई हुई हैं। ये देखें मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये छोटा सा घोड़े का बच्चा, ये देखें मुझे वैसे भी घोड़े बहुत पसंद। अच्छा ये चेक करें, मैंने जैसे आपको पहले बोला है कि हाइट पे जा रहे हैं तो बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। ये मेरे पीछे अब ना बादल बिल्कुल मेरे अपोजिट पे आ गए, ये देख सकते हैं आप। और हालांकि हमने आगे और जाना है, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट की हाइकिंग कर चुके हैं हम। और माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत देखें वैसे कितना प्यारा,
निज़ाम है। ठंड लग रही थी, बट यह है कि हमने पैदल चले हैं ना, उसकी वजह से मुझे ना थोड़ा सा पसीना आ रहा है, और चादर मैंने अपने साथ रखी हुई है। भाई साहब बात सुन रहे, इसकी स्ट्री बता सकते हैं आप? ये तोली पीर की हिस्ट्री हमें नहीं पता नहीं, मतलब किस वजह से नाम तोली पीर रखा गया या क्या वजह? ज़ियारत था ना इधर। अच्छा, क्या नाम था इनका? अच्छा कुछ पता नहीं है। अच्छा ये देखें यार, असल में वो भाई से पूछ रहा था कि तोली पीर की हिस्ट्री क्या है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे खास पता नहीं है, बट ये है कि यहाँ पे ज़ियारत है जिसकी वजह से तोली पीर को आ जाता है। फिर क्या इनका नहीं है, डर से नहीं। चलो अच्छा, हेलो अच्छा आप, और ये देखें इस साइड व्यू, ये देखें इस वादी में और इस जगह में ये जो पेड़ियाँ ये चेक करें, मैं तो समझता हूँ पहाड़ की खूबसूरती है। और ये जगह मैंने, मुझे अभी विकास भाई बता रहे थे कि ये जो पहाड़ी सिलसिला है इसको पीर पंजाल कहते हैं। मुना दसना घंटा होइया मिगी यूं दसने दा, बारिश आई तो सब अच्छा सी। चेक करें ये रावला कोट की ब्यूटी, सीधा रावला कोट ही है ना। बिल्कुल एंड पे आ गए तोली पीर, और ये सब मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं आप, ये तोली पीर ज़ियारत है। और ये साइड देखें, यहाँ पे बारिश आई थिंक लगी हुई है क्योंकि बारिश गूंजने की आवाज़ आ रही है, गरज है, और अभी बिजली भी चमक रही थी, तो ये चेक करें इस साइड, बिल्कुल मुझे लगता है आई थिंक बारिश स्टार्ट है। और ये देखें आई थिंक बादल बिल्कुल बरसने लगे हैं, ये देखें बिल्कुल, और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। हम लेट हो गए क्योंकि यहाँ पे इस टाइम आपको रश इस वजह से दिखाई दे रहा होगा, 6 हो गए शाम के, तो हम जाहिर सी बात है निकले लेट थे, तकरीबन 1 बजे कोटली से निकले, तो 6 हो गए, रास्ते में बहुत जगह हमने स्टे किया है, घूमते फिरते आए। ये देखें व्यू, वो कज़न्स वगैरह का काम कर रहे हैं, कुकिंग हमने यहाँ पे, बार भाई हमारे कुक के स्पेशल किस्म के बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, पानी वगैरह हर चीज़ हमने साथ ही लाई थी। और ये देखिए काम वगैरह हो रहा है, कुछ चार बंदा अपना अपना काम कर रहे हैं, चौधरी साहब फोटो सेटिंग करवा रहे हैं, अधीर भाई प्याज काट रहे हैं, जुबार भाई गोश्त धो रहे हैं, और विकास भाई हेल्प करवा रहे हैं। वो बैक साइड पे देखिए बारिश बहुत ज़्यादा, मुझे महसूस हो रहा है बारिश हो रही है। जी मैंने बताया जुबार भाई बहुत अच्छे कुक के शेफ समझ रहे हैं, कौन सा शेफ? जुबार अंजुम असनैन भाई की बैक साइड पे देखें कितना मजे का व्यू है बारिश की वजह से। दो करो ये जिया भाई हमारे चेयरमैन है। अच्छा ये ना बारिश आ जाए जल्दी काम करें प्लीज़, मेजर लगा जरा। जी जी
क्या कहना चाहते हैं आप? टमाटर कुछ बोले जनाब? मैं यही चाह रहा हूँ आप बिगाती खत्म करें, आप वीडियो को छोड़ें, आप भी काम करें। अच्छा प्लानिंग कोई लगना अल्लाह ही रहम करे इंशाल्लाह 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 हुन आई है ना कोई ना कोई तो करी जी एदा इथे बंद करी अस को का लुकड़ियां ना बंद करी दे ऊपर जड़ी सो हां होनी बोलो क्या करने ओए बंद हवा की वजह से हमने चटाई की मदद से चूल्हे को डोप ली है ताकि हवा ना पड़े बस हो ठीक है काल बोलो।